आपको नीदरलैंड से आए एक वीडियो दिखाते हैं जो हमारे देश में वीवीआईपी कल्चर में डूबे नेताओं की आंख खोलने के लिए बेहद जरूरी है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट ने ऐसा काम किया है जिससे भारत के कई राजनेता प्रेरणा ले सकते हैं। एक ओर हमारा देश है जहां नेताओं को वीवीआईपी कहलाने का नशा है और दूसरी ओर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट की ये तस्वीरें देखिए। इसमें उन्होंने पार्लियामेंट में खुद पोछा लगाया क्योंकि उनकी गलती से फर्श पर कॉफी गिर गई थी। दरअसल प्रधानमंत्री मार्क रट के हाथ से पार्लियामेंट के गेट से निकलते वक्त कॉफी का कप गिर गया और कॉफी फर्श पर फैल गई। मार्क रट ने फौरन कप उठाया और सफाई करने के हाथ से पोछा लेकर फर्श की पूरी कॉफी साफ करी और इसके बाद उन्होंने कपड़े से गेट पर लगे छींटों को भी साफ किया। जब वो ऐसा कर रहे थे तब सफाई कर्मचारी वहां खड़े थे और तालियां बजाकर प्रधानमंत्री के काम की तारीफ कर रहे थे। डच प्रधानमंत्री की पोछा लगाने वाली ये तस्वीर हमारे देश के नेताओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आईना है जो हर मौके पर खुद को वीवीआईपी साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो आम आदमी है। Ja, ik ben hier. 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 Ik ben hier